अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा की सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान्स लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म। मैं हूं डॉक्टर कुरैशी, मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ। आज जुमा है, 11 जून 2021, और आज बजट भी अनाउंस किया जा रहा है अगले फिस्कल ईयर के लिए, जो ऑफ कोर्स मार्केट आज के बाद ही एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आज की जो खबरें हैं, अगेन कोई सच बहुत मार्केट को ट्रिगर करने की खबर नहीं है। IMF के हवाले से गवर्नमेंट ने फिर ये कहा है कि वो पुरुमीद है कि जो रिलैक्सेशंस वो चाह रहे हैं वो IMF उस पर भी हो जाएगी, और मेजर चीज तो पावर टैरिफ का इंक्रीज है और पर्सनल इनकम्स पे टैक्सेस का बढ़ाना है, जो कि कैटेगोरिकली शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है। फिर मैंने आपको कल मार्केट रेप में बताया भी था, इकोनॉमिक सर्वे क्या जो डिटेल्स थी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें जो खबरें थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी तफसीलात हैं, उन्होंने कहा है जहाँ पे ऑफकोर्स टैक्स चोरी वगैरह होती है उसको प्लग करेंगे, वो होल्स को प्लग करने की बात कर रहे हैं। वो होल्स कितने सक्सेसफुली प्लग कर पाती है गवर्नमेंट, ये जाहिर है कि हमको देखना पड़ेगा। ओके, रेमिटेंसेज के नंबर्स अच्छे हैं। एक दफा फिर हमने देखा कि मई में $2 बिलियन से ऊपर की रेमिटेंसेज आई हैं, ऑलमोस्ट $27 बिलियन की रेमिटेंसेज इस फिस्कल ईयर में अब तक हो चुकी हैं, और एक्सपेक्टेड यही है कि अराउंड 29 बिलियन पे हम साल क्लोज करेंगे। दैट्स पॉजिटिव, लेट्स होप कि ये कंटिन्यू भी रहे अगले फिस्कल में भी। इसके अलावा सर्कुलर डेट के हवाले से है, वो जाहिर है कि सब जानते ही हैं कि बहुत बड़ा ये भी एक मसला है पाकिस्तान के लिए। कह रहे हैं कि इट इज जो इसकी करंट जो अमाउंट है वो 5.2% ऑफ GDP हो गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स फिर आए हैं, कोई नए नहीं है। फर्स्ट 9 मंथ्स में हमने देखा है कि 9% ग्रोथ हमको नजर आई है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट अराउंड $72 पे नजर आ रहा है, $71.97 बैरल पे। US क्रूड इज जस्ट स्लाइटली बिलो $70, $69.78 बैरल्स पे, और कोल की कीमतें वही हैं, स्टिकी हैं, अराउंड $115 पर टन। और गोल्ड की प्राइस थोड़ी बढ़ी है, $1902 एन आउंस पे गोल्ड है। तो ये सूरत हाल है, लाइक आई सेड, जो मैंने कल भी कहा था कि आज लग ऐसे ही रहा है कि आज थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, उसके बाद शायद प्रॉफिट टेकिंग हो थोड़ी। मार्केट आज जुमा भी है, 2 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, 12 बजे मार्केट सस्पेंड होगी फॉर जुमे की नमाज का ब्रेक और लंच, और फिर 2:30 बजे दोबारा मार्केट स्टार्ट होगी। तो शायद पहला हाफ जो है हम देखेंगे साइडवेज मूवमेंट हो, और फिर कुछ सेकेंड हाफ में कुछ हम एक्टिविटी मेरे ख्याल में देख सकते हैं, कुछ एक्टिविटी, सम वोलेटिलिटी और एज वेल के बजट के हवाले से जिन स्टॉक्स को, जिन सेक्टर्स को फायदा अगर पहुंचाने की जो पुरानी खबरें हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड सम ऑटो सेक्टर में ऑफकोर्स पार्सल्स हो गई, अगर हो जाता है कि ये 800 cc की गाड़ियों, अप टू 800 cc गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस वगैरह कम होते हैं, तो वो उन स्टॉक्स पे आई थिंक थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इन्वेस्टर्स करते हुए नजर आएंगे। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ, और इंशाल्लाह कोई और अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड हाफिज़।